कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनावों की तैयारी में जुटकर आगामी नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस का बोर्ड बनाकर विकास में भागीदार बने, यह विचार बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने रविवार को विधायक कार्यालय में बाड़मेर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक जैन ने कहा कि हमारा सभी का यह प्रयास रहना चाहिए कि हम उस पर जरूरतमंद आम आदमी के लिए ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि बाड़मेर शहर के विकास के लिए हमने पूर्व में कार्य किया है, चाहे बाड़मेर शहर में दो और ब्रिज हो, नहर का मीठा पानी, बाड़मेर में आधुनिक बस स्टैंड हो या शहर के बड़े चौराहे, सड़कें, यह सब कार्य कांग्रेस के शासन में हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि वार्ड में हर आम आदमी के बीच जाकर कांग्रेस बोर्ड के समय शहर में हुए विकास कार्य के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के पास उनके कार्यकाल में बाड़मेर शहर के विकास के लिए आम जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी के लोग केवल आलोचना कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने विकास में बाड़मेर के साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आम जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से हम करा सके। इस हेतु नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाएं ताकि विकास को गति मिल सके। इस अवसर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष यज्ञदत्त जोशी, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रीतम दास जिनकर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दमाराम माली, पार्षदगण समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से आगामी नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया।